हरिओम आप सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ही योगिनी शिखा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवाय योग में। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि जिन लोगों को एसिडिटी बनती है, एसिडिटी की जिन लोगों को प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या एक छोटे छोटे से घरेलू जो नुस्खे होते हैं उनको अपना कर वो अपनी एसिडिटी की समस्या को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें है सौंफ के बीज। जी हाँ, सौंफ के जो बीज होते हैं एसिडिटी की समस्या को दूर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आप भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद आपको एक चम्मच सौंफ के बीज लेने हैं, आप इसको चबा चबा कर खा जाइए। और सेकंड आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नहीं चबाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सौंफ वाली चाय पी लीजिए। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो एसिडिटी की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। सेकंड इसमें क्या होता है, काली किशमिश। जी हाँ, एक काली किशमिश होती है, उसका आपको सेवन करना है। तो आप उसको भिगा के रखिए, फिर उसका सेवन कीजिए। आप रात में भिगो दीजिए और सुबह सेवन कीजिए अगर आपको लगातार एसिडिटी की समस्या हो रही है। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होती है एसिडिटी की समस्या को दूर करने में। तीसरा क्या होता है, गुलकंद। जी हाँ, ये एसिडिटी की समस्या को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही ये ब्लोटिंग की समस्या, एसिडिटी की समस्या और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, गुलकंद का सेवन करना है। ये बहुत फ्रेश होता है और ये बहुत ठंडा होता है, आपके जो पाचन तंत्र है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ये रिलैक्स करता है। और फोर्थ क्या होता है, नारियल पानी। जी हाँ, ये फाइबर, इसमें बहुत अच्छा फाइबर पाया जाता है और ये अपने आप में बहुत इसमें अच्छे गुण पाए जाते हैं, जो जिसका सेवन करने से आपकी जो एसिडिटी की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर होती है और ये आपके पाचन को रिलैक्स करने वाला होता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आपको ऐसी योग से संबंधित जानकारी मिलती रहे। हरिओम।